माँ माँ, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, क्यों अपनी जान अलकान कर रही हो? गुड्डू और नसीमा तो चले गए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? खा लो कुछ। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, हम अभी मरे नहीं है। हाय हाय बेचारी शरीफा, गुड्डू के गम में तो होश ही खो बैठी। जवान जहान तन तनहा लड़की अगर बेआसरा हो जाए तो लोग तो बोटियां तक नोच के खा जाते हैं, बोटियां। बेचारी, इसके तो बुढ़ापे का सहारा बिछन गया, शौहर तो पहले ही घर से भागा हुआ है। अकेली बेटी की जिम्मेदारी अब हम सब बिरादरी वालों की है। सही कह रही हो बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल का जमाना तो ऐसा है कि ना तो अपने का आसरा है ना गैरों का। मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द इस बिचारी का कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं कोई बिचारी नहीं, सुनने आप लोग सब, और ना ही मेरी माँ बेसहारा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। साबर, आहिस्ता बात करो। सुन लिया तुम सब ने, क्या कह रही है ये कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है? और पढ़ाओ अपनी बेटियों को और तालीम दिलाओ। मैं तो शरीफा से पहले ही कहती थी कि ना भेजो इसको स्कूल कॉलेज, ना दिखाओ उसकी शक्ल। 4 जमातें पढ़ने के बाद लड़की का किरदार भी खराब हो जाता है और अकल भी। खबरदार जो मेरे किरदार पे एक लफ्ज भी बोला तो। ये शर्म जबान चलाती है सबके सामने, ये सिखाया तुझे तेरी तालीम ने? अरे मैं तो कहती हूँ उसके गले में पट्टा डाले, हम सबको कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ेगी। जबान दराज़।